और आप सभी का दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का फाइनल स्टेज। और इस वीडियो में हम बोलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल स्टेज क्या होता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और उसको कैसे क्रैक करेंगे। जैसे कि आपको याद है, हम इस वीडियो के दौरान CA एज करियर और करियर एज CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और आप सब लोग इसको बहुत सारा लाइक भी कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फाइनल स्टेज है उसका नाम है CA फाइनल। तो उस फाइनल तक हमें कैसे जाना है, उस फाइनल को हमें कैसे जीतना है, उस फाइनल को हमें कैसे क्रैक करना है, इसके बारे में हम ये वीडियो बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैं जो भी एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है CPT के बारे में हमने देखा, उसके बाद हमने APCC के बारे में देखा और उसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया है, एनरोलमेंट क्राइटेरिया है, वो सभी इन्फॉर्मेशन, वो सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसके बारे में है CA फाइनल। तो CA फाइनल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कैसे पास करना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में लेंगे। उसके पहले, अभी भी आप इस चैनल में नए हैं, अब तक अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिना भूले मेरा ये एकेडमिक इंसाइट्स एकेडमिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो भी आपको बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास अपने आप आ जाए। दोस्तों, जैसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि इसका बेनिफिट सभी प्रकार के लोगों को मिल जाए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका कमेंट, आपका वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ज़रूरी है इस चैनल को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो आपका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लिखना भी ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे CA फाइनल के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, CA में तीन स्टेजेस होती हैं, CPT, APCC और CA फाइनल। जो लोग 10th के बाद 12th के बाद CA के लिए एनरोल करते हैं उनके लिए तीन स्टेजेस हो जाएंगी, और जो लोग BCOM के बाद, BA के बाद, BSc के बाद CA में एनरोल करते हैं उनके लिए दो स्टेजेस हो जाएंगे। तो उनका पहला होगा APCC और दूसरा होगा CA फाइनल। तो आज हम बात करेंगे CA फाइनल के बारे में। इसके पहले हम CPT की और APCC के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे CA फाइनल क्या होता है, CA फाइनल, CA फाइनल्स के लिए क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से ग्रुप्स होते हैं, कैसे पास करना है, उसके बाद हमको देखना है पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और इस सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। आप सभी लोगों को मेरी विनती है, मेरी सूचना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपको CA फाइनल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी CA फाइनल का इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो देखेंगे हम CA फाइनल क्या है। CA फाइनल और CA कोर्स का ये फाइनल स्टेज है जो हमें कंप्लीट करना है। अगर हम ये कोर्स का फाइनल स्टेज कंप्लीट कर पाएंगे तो हमें, हम अपने नाम से पहले, अपने ज़िंदगी में और अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और CA लगा पाएंगे। तो देखते हैं हम CA क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CA फाइनल कोर्स, आप CA फाइनल कोर्स के लिए कब एलिजिबल हो जाओगे, तो उसके लिए ये एक डायग्रामेटिक पिक्चर मैंने बनाया है। अगर आपने CPT कंप्लीट किया है तो उसके बाद आपको APCC में जाना है। जब आपका APCC कंप्लीट हो जाएगा, बिफोर CA फाइनल आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है। अगर आप ये तीन चीज़ें कंप्लीट कर पाते हो तो आप CA फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो, CA फाइनल के लिए, CA फाइनल एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैसे हैं, जो लोग 12th के बाद एडमिशन लेते हैं, 10th के बाद एडमिशन लेते हैं, उनको पहले CPT क्लियर करना है। जब उनका CPT क्लियर हो जाएगा तो उनको APCC कंप्लीट करना है, और जब उनका APCC कंप्लीट हो जाएगा तो उनको आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है। और अब ये तीन चीज़ें जब कंप्लीट कर पाओगे तो CA फाइनल में अपने आप जा पाओगे। जो लोग डिग्री के बाद, BA के बाद, BCOM के बाद, BSc के बाद CA में एनरोलमेंट करते हैं, उनको सिर्फ APCC क्लियर करना है और आर्टिकलशिप क्लियर करना है, उनको CPT नहीं होगा। जब ये लोग, डिग्री वाले लोग APCC क्लियर करेंगे और आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे, तो उनको CA फाइनल में एडमिशन मिल सकता है। और देख,
वो एलिजिबल हो जाएंगे सीए फाइनल्स के लिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे जाके देखेंगे हम सीए फाइनल में कौन से ग्रुप्स हैं, उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। जहाँ तक हमने आईपीसीसी में देखा है वहाँ पे भी दो दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। सीए फाइनल में भी आपको दो ग्रुप ही हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन में चार सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप टू में भी चार सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने बोला हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो ग्रुप वन हो गए 400 मार्क्स का और ग्रुप टू हो गए 400 मार्क्स का। तो ये हो गए मार्क्स। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप ग्रुप वन की और ग्रुप टू की साथ में देख सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो। प्राइसिंग क्राइटेरिया की बात करेंगे तो प्राइसिंग क्राइटेरिया है सब्जेक्ट की पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पासिंग क्राइटेरिया की। जहाँ तक कि सब्जेक्ट्स की बात है तो ग्रुप वन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ये चार सब्जेक्ट्स हैं। और जहाँ हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे वहाँ पे है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इलेक्टिव पेपर है जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लॉज, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन इज ऑल्सो देयर, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज हैं। ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। और जहाँ तक पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल द स्टेजेस, तीनों स्टेजेस के लिए क्राइटेरिया कॉमन है। और वो है यहाँ पे भी बिल्कुल नेगेटिव सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। और जहाँ तक पासिंग क्राइटेरिया का सवाल है, पासिंग क्राइटेरिया है 50% एग्रीगेट पासिंग। अगर आपका पहला ग्रुप 400 मार्क्स का है तो आपको 200 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर आपका दूसरा ग्रुप भी 400 मार्क्स का है तो वहाँ पे भी आपको 200 मार्क्स लेना ज़रूरी है। तो एग्रीगेट पासिंग है आपको 50% और उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है और पास होना है। दोस्तों मुझे लगता है ये तीन चार वीडियो जो मैंने आपके पास अब तक भेजे हैं उनमें से आपको सीए कोर्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपको ये मेरा वीडियो बनाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया है, अगर इन्फॉर्मेशन जो भी मैं दे रहा हूँ आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही में मेरा ये जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको अपने आप आपके आपका उसका नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर लाइक करना ना बिल्कुल ना भूलिएगा और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करना है ताकि लोग उसका फ़ायदा ले सकें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियो के बारे में आपका कमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है तो आपका कमेंट लिखना यहाँ पे ना भूलिएगा। मुझे लगता है आपको ये चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है आई होप। एंड यहाँ तक मैं आज इस वीडियो तक मैंने आपको सीए के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज दो, उनको सीए के बारे में अवेयर कर दो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए करियर।